हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी AR। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSC CGL और CHSL में पूछे जाने वाले सिनोनिम के कुछ वर्ड जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यूथनेशिया। यूथनेशिया का हिंदी में मीनिंग अगर देखें तो उसका मतलब है पीसफुल मौत या इच्छा मृत्यु। डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्सी किलिंग, पैशनेट यूथ एंथुसियास्टिक ऑडेशियस। डायरेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे मर्सी किलिंग। पैशनेट और एंथुसियास्ट का सेम मीनिंग निकलता है, इनका मतलब है पैशन, किसी काम को करने के लिए पैशन पैशन होना, और एंथुसियास्टिक का भी वही मीनिंग निकलता है। ऑडेशियस का मीनिंग अगर देखें तो ऑडेशियस का मतलब होता है डेयरिंग, डेयरिंग मतलब जो डरे ना, निर्भीक, निडर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला। चार ऑप्शन है हमारे पास गैरुलस, मिटिजेट, टर्स, साइलेंट। गैरुलस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। टकेटिप, लोकेशियस, TALKATIVE LOQUACIOUS। लोकेशियस एंड टकेटिप और द सिनोनिम्स ऑफ गैरुलस। मिटिजेट, मिटिजेट का मतलब है कम करना। मिटिजेट का सिनोनिम है सूद। मिटिजेट मतलब कम करना, मतलब किसी का प्रभाव कम करना। टर्स मतलब होता है ब्रीफ करना या अपनी बात को कम शब्दों में कहना। तो लेकोनिक का यहाँ पे जो सिनोनिम निकलता है वो है टर्स। साइलेंट का मतलब होता है मौन। ये बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं एम्बिगुअस। देखिए बाई, जहाँ पे बी और आई आपको दिखाई पड़े, बाई का मतलब होता है दो। जहाँ पे दो चीज़ें होंगी वहाँ पे अनसर्टिनिटी तो होनी ही है। तो अगर देखें तो अनक्लियर यहाँ पे एम्बिगुअस का सिनोनिम है। बाकी अगर ऑप्शन देखें ल्यूसिड, टिमिड और हेडलेस। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। टिमिड का मतलब होता है शाई, जो शाई हो मतलब जो शर्माता हो। हेडलेस, हेडलेस का मतलब होता है जिस पे कोई फर्क ना पड़े। इमेंस, जिस पे कोई फर्क ना पड़े। इमेंस, EMMENSE, इमेंस बोलते हैं हेडलेस को। एवरेज, एवरेज का मतलब अगर हिंदी में देखें तो एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। शॉर्ट एंड कंप्रेस आर बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ एवरेज। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। जॉय मतलब खुशी। एवरेज का तो शॉर्ट और कंप्रेस दोनों हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एकदम फ्रैंक हो, जो किसी से डरे नहीं। फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट मीनिंग है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट आंसर। डिसीटफुल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हो, बेईमान, डिसऑनेस्ट। डर्टी मतलब गंदा। हॉटी, हॉटी मतलब घमंडी, जो घमंड करे किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है पैसों, रुपए पैसों को लेके या अपनी नॉलेज को लेके, उसको बोलते हैं हॉटी। तो कैंडिडेट का यहाँ पे जो
सिनोनिम है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब होता है डिटर्मिनेशन, अनेबल चेंज, जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, किसी अच्छे काम को करने के लिए जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इसका सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब भी होता है दृढ़ निश्चय करना। इरेवोकेबल मतलब होता है जिसको चेंज न किया जा सके, नॉट एबल टू चेंज। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है टेम्पररी, जो चीज़ थोड़े समय के लिए हो उसको बोलते हैं टेम्पररी। फैटल, फैटल का मतलब होता है डेडली, जो मरने ही वाला हो बस उसको बोलते हैं फैटल। स्टबर्न का राइट आंसर है ऑब्स्टिनेट। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट, पावरफुल डिजायर। क्रेव, इनके सिनोनिम हैं तो फर्वेंट का भी जो मीनिंग होता है क्रेव का भी वही मीनिंग होता है। पैशनेट मतलब किसी कार्य को करने की आपकी जो तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं फर्वेंट, क्रेव। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इम्पैशन, इम्पैशन का मतलब होता है इमोशन, इमोशन इम्पैशन का सिनोनिम होता है। अपैथेटिक, अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, किसी काम को करने के लिए आप इंटरेस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं अपैथेटिक। प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लिम्सी। ये कई बार रिपीट हो चुका है ये वर्ड एसएससी में। फ्लिम्सी का मतलब होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स कमजोर, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। थिक मतलब होता है अपार्ट, टू डू समथिंग अपार्ट मतलब दो चीज़ों के बीच की दूरी, मतलब मोटाई बोल सकते हैं आप इसको। शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना। एपरेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल, जिसको आसानी से देखा जा सके वो होता है क्लियरली विजिबल। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब होता है निर्भीक, जो किसी से डरे नहीं। बोल्ड,